दोस्तों हैवल्स कंपनी के मैं स्टॉल पर हूँ और इस हैवल्स कंपनी के जो इन्वर्टर बैटरी आप इस समय देख रहे हैं, इसमें एक जो इन्वर्टर है ये सबसे बेहतरीन और सबसे दमदार इन्वर्टर है। दोस्तों अभी तक भारत में ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं बना जिस तरह का इन्वर्टर हैवल्स कंपनी बना चुकी है। मैं आपको बता दूँ कि ये इन्वर्टर ग्रिड से भी काम करेगा, इन्वर्टर पर तो है ही है, ये सोलर से भी काम करेगा, ये कई तरीके से काम करेगा। और कितनी इसकी कीमत है, कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देंगे। और ये बैटरी है, बैटरी बिल्कुल स्पेशल है, इसके अलावा जो अन्य इन्वर्टर हैं इन सभी के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। और अगर मैं धीरे धीरे बात करूँ तो वहाँ से लेकर और यहाँ तक के सारे जो इन्वर्टर हैं ये एक से एक बड़ा है। और ये जो इन्वर्टर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये करीब 3 एसीओ को आसानी से चला सकता है। तो इसकी भी कीमत बताएंगे, इन सब की कीमत आपको बताएंगे, इन बैटरी की कीमत आपको बताएंगे, तो क्या क्या इनमें खास बात है उसकी जानकारी आज की वीडियो में आपको पूरी तरह से दी जाएगी। तो मेरे साथ कंपनी के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानकारी लेना चाहूँगा इन सब के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, मेरा नाम राजेश खोसला है जी। मैं हैवल्स कंपनी में जो आपको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स की रेंज के बारे में बता रहा हूँ। हमारी जो रेंज आती है 850 VA की, जो कि छोटे से छोटे परिवार में जिसने 4 पंखे, 4 ट्यूबलाइट या एक टीवी चलाना हो, मध्यम परिवार का सदस्य हो, जो जिसका बजट जो है 15,000 से 20,000 के बीच का बजट हो, तो उसकी रेंज का भी हमारे पास प्रोडक्ट है। रेंज वाइज आज हैवल्स में 850 VA से लेके हमारे पास 50 KVA तक की पूरी रेंज है ऑफ ग्रिड में जी। और हैवल्स के पास जो बैटरी की रेंज है वो 3 साल की वारंटी वाली बैटरी और 5 साल की वारंटी वाली बैटरी की पूरी रेंज है। बैटरी में हो रहा 150 AH, 180 AH, 200, 220 AH तक की बैटरीज की पूरी रेंज है जी। और यदि हम इन्वर्टर्स में बात करते हैं, आज की तारीख में जो ट्रेंड आ गया है हाइब्रिड इन्वर्टर्स का, जिसमें कस्टमर जो चाहता है बड़े पैनल लगाना चाहता है जिससे कि उसकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाए। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पावर कट बहुत ज़्यादा होता है, जब पावर कट ज़्यादा होता है तो उसको बैकअप भी चाहिए और वो चाहता है कि मेरी बैटरी भी जल्दी चार्ज हो जाए। तो हैवल्स का ये नया टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर आया है, इसको बोलते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ 1100 VA का। इसमें क्या कर सकते हैं आप, बड़े से बड़े पैनल जो 535 वाट के पैनल आते हैं वो आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि कस्टमर की जो बैटरी है बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी, और जब जैसी बैटरी उसकी चार्ज हो जाएगी उसको पूरा का पूरा जितनी सूरज से रोशनी आ रही है, जितनी पावर जनरेट हो रही है, वो उसको यूज़ कर सकता है। तो मतलब डबल बेनिफिट है। ये चीज़ पहले हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं थी, ये हैवल्स ने लॉन्च करी है। ये पहली बार हैवल्स ने लॉन्च की है, बिल्कुल ये हैवल्स ने बड़ी नहीं है, किसी और के पास, किसी कंपनी के पास ये वाला प्रोडक्ट नहीं था जिसमें आप बड़े पैनल्स के साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर स्मार्ट इन्वर्टर के साथ, जिसमें ऑप्शन है आप सोलर भी से इसमें पहले यूज कर सकते हैं सोलर के थ्रू, दूसरा बैटरी के थ्रू, तीसरी ऑप्शन ग्रिड के साथ है, मतलब ग्रिड की ऑप्शन आप लास्ट में रख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी सब जगह काम करेगा सर, ये तीनों पे काम करेगा। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ आप देखिए, पहला ऑप्शन ग्रिड है, दूसरा इन्वर्टर है, सोलर है, फिर एरर है। तो जैसे यदि आपकी जैसी सेटिंग है, यदि पावर कट बहुत ज्यादा है तो आप इसको जो है इमीडिएट जो है पहले सोलर पे रख सकते हैं। अच्छा, सोलर अच्छा। का मतलब है कि जितनी रोशनी आ रही है पहले वो बैटरी को चार्ज कर देगी, जैसे ही बैटरी चार्ज हो गई आपके अंदर जितना ही जनरेशन हो रही है, मान लो आपने 1 किलोवाट का लगाया, अंदर आप 500 किलोवाट का आपके अप्लायंसेस चल रहे हैं, तो ये क्या करेगा पहले 500 किलोवाट के अप्लायंसेस को चलाना शुरू कर देगा। मान लो आपके अप्लायंसेस आपने 1.5 किलोवाट के चला दिए, तो ये क्या करेगा पहले 500 वाट का जो लोड है वो सोलर से लेगा, उसके बाद जो बैलेंस है वो बैटरी से ले लेगा। ये इसका दोनों तरह से काम करेगा, दोनों तरह से काम करेगा। मेरे हिसाब से काफी स्मार्ट ये बनाया है ये, बिल्कुल ये नई टेक्नोलॉजी और नई जनरेशन का बोल सकते हैं। और पब्लिक इस चीज की डिमांड कर रही थी कि छतों पे जगह कम है, तो छतों की जगह के हिसाब से बड़े पैनल लगाना चाहती है, तो उसके लिए ये बेस्ट चीज आई है। अच्छा अच्छा सर, अगर हम पहले इन बैटरी की बात करें, हाँ जी, तो ये बैटरी कितने रुपए की है, क्या गारंटी, क्या वारंटी है? ये सर हमारे पास दो तरीके की बैटरी आती है, एक सोलर बैटरी आती है, एक नॉर्मल बैटरी आती है। जो सोलर बैटरी है उसके साथ जो पैनल्स लगते हैं वो पैनल्स को बैटरी के थ्रू हम इसको पावर बैकअप के तरीके से एक तरीके से यूज करते हैं। जो भी सोलर बैटरी होती है उसकी मिनिमम जो गारंटी आती है 15 साल की, 5 ईयर्स की वारंटी आती है, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 15,000 से 16,000 के बीच में इसकी कॉस्टिंग आती है। हाँ बिल्कुल, जो है इसकी लाइफ जो है, इस बैटरी की जो मिनिमम लाइफ होती है 5 से 7 साल लाइफ होती है। जो है साइकिल कितना सर, कितने बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं सर? इसको हम जो नॉर्मली जो एक एवरेज होती है 2800 साइकिल से लेके 4000 साइकिल के बीच से होती है, डिपेंड करता है कितने एम्पियर की हम बैटरी लगा रहे हैं। अच्छा, कितने एच के पैनल, कितने वॉट के पैनल्स के साथ उसको अटैच करके दे रहे हैं। जी जी। अच्छा तो सर ये और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे पास ये आप देख रहे हैं 220 AH की बैटरी भी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पावर कट ज्यादा है जहाँ पे, या कोई ऐसे एरिया है जहाँ पर पावर है ही नहीं,
जो कस्टमर कहता है, जैसे भी आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, जब पावर कट होता है तो बहुत लंबे पावर कट होते हैं, या वहाँ पे लोगों का बिजली नहीं पहुँची है जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनके लिए ये वाली बैटरी का बहुत अच्छा सिस्टम है, जहाँ पर कस्टमर को इसके लिए टेंशन नहीं है बैकअप के लिए। ये वाली बैटरी हम पेट्रोल पंप के सिस्टम्स में बहुत लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो पेट्रोल पंप का कनेक्शन होता है वो होता है ग्रामीण क्षेत्र की बिजली वहाँ से मिल रही होती है, उसको बेनिफिट ये मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाती है कि उसको जनरेटर नहीं चलाना पड़ता, बैकअप अच्छा मिल जाता है, बैकअप अच्छा मिल जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये कहना चाह रहा, जैसे आपने इस पे लिख रखा ये सोलर बैटरी है, तो सोलर पे ही काम करेंगे सर या ग्रिड पे काम करेंगे? दोनों पे करती है, दोनों पे करती है। सोलर का मतलब क्या होता है, ये सोलर का मतलब होता है C10 की रेटिंग होती है, उसकी एफिशिएंसी, आउटपुट एफिशिएंसी ज्यादा होती है। जो आप देख रहे हैं सोलर बैटरी पे लिखा है C10, जो नॉर्मल बैटरी पे लिखा है C20। यदि हम इसकी नॉर्मल आउटपुट लेते हैं तो इसकी 150 आउटपुट C10 रेटिंग के हिसाब से होती है। जब हम इसकी कर देंगे C10 के हिसाब से, इसको हमें जो है 15% कम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये सिस्टम होता है। अच्छा तो सर, जो ये बैटरी में देखी, तो ये जो बहुत सारे आपके इन्वर्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अगर हम इसी इन्वर्टर की बात करें, कौन सा इन्वर्टर सर? 850 VA का हैवेल्स इन्वायरो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। जी जी। ये सोलर इन्वर्टर है, इसमें पहली प्रेफरेंस होती है चार्जिंग की सोलर के थ्रू, दूसरी होती है मतलब बैटरी की चार्जिंग पहली सोलर के थ्रू है, दूसरी यदि लाइट नहीं आ रही है और बैकअप ज़्यादा चला गया और बैटरी डीप डिस्चार्ज मोड में जा रही है, कम डाउन हो गई है, तो ये ग्रिड से उसको चार्जिंग दे देता है, ड्यूल चार्जिंग इसको बोलते हैं हम लोग। कीमत क्या होगी सर इसकी? इसकी सर करीब करीब 5500 रुपये प्लस GST के करीब इसकी कीमत। 5500 प्लस GST। और ये कौन सा? ये सर 1500 VA का है, वो 12 वोल्ट में है, ये 24 वोल्ट में, ये डबल बैटरी के साथ आता है बेसिकली। तो कीमत भी डबल है या कुछ कम है? थोड़ी सी कम है, डबल से थोड़ी सी कम है। ये करीब से 9,500 रुपये प्लस GST के करीब पड़ेगा। और सर इसकी कीमत क्या बताया? ये अभी हमने लॉन्च किया है, 13,000 रुपये का इन्वर्टर है जो है ये वाला, ये स्मार्ट इन्वर्टर है जिसको हम बोल सकते हैं, आपने बताया था नई टेक्नोलॉजी के साथ। और सर ये इन्वर्टर ये कितने का? ये सर 3 KVA का इन्वर्टर है हमारा, 2 KVA का इन्वर्टर है, लेकिन ये MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है। MPPT चार्ज कंट्रोलर क्या होता है, बैटरी को फास्ट चार्जिंग करता है और पैनल के थ्रू मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग इसको बोलते हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी जहाँ से ज्यादा मिलती है वो इसको बैटरी के थ्रू इसको चार्जिंग। दोनों चीज़ एक साथ रहनी पड़ेंगी सर? ये नहीं, एक लगेगा, जो भी लगेगा इसमें स्मार्ट, जैसे जैसे मोबाइल में होता है एंड्रॉइड होता है, मतलब फीचर्स हैं, एडवांस फीचर है इसमें बेसिकली। तो कीमत क्या है सर इसकी? ये करीब करीब सर 15,000 रुपए के करीब पड़ता है ये वाला। बिल्कुल बढ़ेगी सर। और ये कितने का सर? सर ये वाला सर हमारा 3 KW का सिस्टम है बेसिकली, ये 18,500-19,000 के करीब बीच का सिस्टम हमारा है। ये वाला हमारा 7.5 KVA का है और ये वाला 10 KVA का। 10 KVA का मतलब है आपके घर का लोड यदि हम देखें 3 AC चलाने हो तो ये वाला इन्वर्टर में बेफिक्र आंख बंद करके चला सकते हैं। चला देगा तीन एसी चला देगा, या आटा चक्की होती है या मोटर होती है, हैवी लोड होता है वो सारा इसमें चला देगा। सर आटा चक्की भी चला देगा? बिल्कुल चला देगा। 10 KVA तक का हम इसमें लोड डाल सकते हैं। कितनी कीमत क्या होगी सर उसकी? इस वाले इन्वर्टर के करीब कॉस्ट जो है 40,000-42,000 रुपए के करीब इसकी कॉस्टिंग होती है। जी। और सर इसमें 10 बैटरी लगती है, इसमें 8 बैटरी लगती है। बैटरी का भी जो बैटरी के साथ कीमत आई, ये करीब 32,000-33,000 के करीब की इसकी कॉस्टिंग आती है। इसमें भी दो वेरिएंट आते हैं, अलग अलग दो वेरिएंट आते हैं। सर जैसे ये हैवेल्स के, तो सर्विस तो बेहतरीन है, ये ब्रांडेड कंपनी है। हैवेल्स आज की तारीख में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम सर्विस दे रहे हैं। हैवेल्स का हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको सर्विस सेंटर मिल जाता है, वो सर्विस आपको प्रोवाइड करके देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। हमारा इंजीनियर कस्टमर के घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी बार कस्टमर बुलाएगा जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है उसके। सर इन्हें खरीदा कैसे जा सकता है, कोई वेबसाइट वगैरह हो? जी सर, इसमें बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर इसको खरीदने के दो रास्ते हैं, एक तो आपको नियरेस्ट जो बिजली की दुकान हो वहाँ से खरीद सकते हैं, जो हैवेल्स की दुकान है, ये इन्वर्टर बैटरी की दुकान है जो हैवेल्स का बेच रहा है वहाँ से ले सकते हैं। जी। या ऑनलाइन कभी भी गूगल पे जाएंगे, हैवेल्स की www.havels.com पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे लोकेशन आप डाल देंगे, हमारे लोकेशन का डीलर आ जाएगा, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा।